बेटा टुडेज आवर टॉपिक इज कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज। दिस इज रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस, डिफरेंट पोस्चर डिफॉर्मिटीज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दी स्पाइनल कर्वेचर मीन्स द डिफॉर्मिटीज रिलेटेड टू योर स्पाइन। दैट इज सिंपल, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जो डिफॉर्मिटीज होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दैट। दैट फर्स्ट वी स्टार्ट विद दिस काइफोसिस। ठीक है, काइफोसिस डिफॉर्मिटीज, दीज ऑल आर डिफॉर्मिटीज रिलेटेड टू योर स्पाइन, स्पाइनल, जिससे सारा आपका सीटिंग, वॉकिंग, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग यू डू, इसमें आपको थ्री टाइप्स की डिफॉर्मिटीज होती हैं। दैट इज काइफोसिस, स्कोलियोसिस एंड लॉर्डोसिस। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना ये क्यों होती है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस, उसके क्या है। ठीक है, फिर हमको प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए और रिमेडीज क्या है इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल, काइफोसिस डिफॉर्मिटीज क्या होती है, जिसमें आपका फॉरवर्ड जो आपका स्पाइन है, अपर जो आपका पार्ट होता है वो आगे की ओर हो जाता है और जो बैक है वो पीछे की ओर हो जाती है। दैट इज काइफोसिस, जिसको हम बोलते हैं राउंड शोल्डर टाइप। ठीक है, आगे की ओर आपका, जो आपने देखा होगा बहुत टॉल होते हैं वो भी थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं आगे को, शोल्डर से उनका थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, पीछे को स्पाइन, पीछे बैक साइड स्पाइन उनकी पीछे को निकल जाती है। दैट इज मोस्टली कॉमन इन द पर्सन दोज हु आर वेरी टॉल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं राउंडिंग अपर बैक। समटाइम अगर आप बहुत ज्यादा लोड, हैवी लोडिंग आप पे की जाती है, दैट इज रिगार्डिंग अगर आप बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हो, ठीक है, और आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन में, ठीक है, आप बहुत ज्यादा वेट छोटे छोटे टाइम से, अगर कोई बच्चा या किसी को आप ज्यादा वेट शोल्डर पे दे रहे हो, उसको हैवी वेट दे रहे हो, आपने देखा होगा सम टाइम वेरी हैवी बैग। ये बहुत एक स्टडी हुई थी कि जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके जो बैग्स हैं दे आर टू मच हैवी। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा इन फ्यूचर, जब जैसे ही ग्रोइंग स्टेज बच्चे की होगी तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम बैक की आ जाएगी, आइदर बैक पेन होगी है, आइदर स्पाइन से रिलेटेड होगी है। इसीलिए डिफरेंट, उन्होंने एक सीबीएसई से भी सर्कुलर आया था कि आपका जो बैग है, ठीक है, उसका वेट, अननेसेसरी बुक आपने नहीं यूज करनी, जो आपका टाइम टेबल है अकॉर्डिंग टू दैट वही बुक्स बच्चों को देनी है। दैट इज द मेन रीजन। ये आपका हैवी अगर आप स्टार्टिंग से कोई भी चीज लेते हो, जैसे ये आपका स्पाइन है या ये एक नॉर्मल है, यहां से ये पीछे की ओर आ गई है, दिस पोर्शन बैक साइड जो कर्व हो गया पीछे वाला, जिसको हम बोलते हैं कि पोर्शन उसका बैक साइड पे ज्यादा आ गया, तो उसका मेन रीजन यही है। देन आपका इसका रिमेडीज क्या है, आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको एक तो हैवी लोड वो नहीं करना चाहिए शोल्डर पे। ठीक है, सम टाइम आप वेट ट्रेनिंग करते हो, बहुत ज्यादा हैवी वेट लेते हो, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, ठीक है, आपका जो डाइट प्रॉपर नहीं है, मसल्स अगर वीक होते हैं, ठीक है, और सम टाइम्स किसी भी आदमी को क्या होता है, थोड़ा सा झुक के चलने की आदत होती है, जो बेंड होके चलते हैं, दैट इज ऑल्सो मेन प्रॉब्लम। तो योर, इसीलिए हम बोलते हैं ना, पोस्चर मीन्स योर सीटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड लाइंग पोजिशन। ठीक है, जब भी हम कोई भी काम करते हो, वाइल इन स्टैंडिंग पोजिशन, सिटिंग पोजिशन, लाइंग पोजिशन एंड वॉकिंग, योर बॉडी पोस्चर इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, हम स्टडी करते हैं तो क्या होता है, वाइल वी आर सिटिंग वी हैव टू सिट इन अ स्ट्रेट पोजिशन, आपके दोनों लेग्स इक्वली वेट होना चाहिए। देन आपकी स्पाइन, जो आपकी बैक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए अगर आप चेयर पे बैठे हैं, वाइल यू आर स्टडिंग, वर्किंग, एनीथिंग। ठीक है, जो आपके लेग्स हैं 90 डिग्री पे आपके दोनों पैर नीचे होने चाहिए,
सेम इन द वे ऑफ वॉकिंग, वाइल यू आर वॉकिंग आपका जो बॉडी वेट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एंड योर बॉडी हेड इट शुड बी इन अ स्ट्रेट पोजिशन। ठीक है, ये नहीं कि आपने बैंड होके चलना है या पीछे की ओर बैक को करके चलना है, यू शुड बी इन अ स्ट्रेट पोजिशन। अगर आप बैठते हो सोते हो दैट इज ऑल्सो द पोस्चर ऑफ योर लाइंग, आप जब सोते हो ठीक है वो सारी चीजें आपका बॉडी पोस्चर में काम आती है। आपने देखा होगा दोज पीपल हु आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, कोई भी अगर बच्चा आपने देखा होगा स्विमिंग करता है या आप जिमनास्टिक करते हैं, आप बोलते हैं ना जितने भी स्विमर होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो देखने लायक होती है, जो उनका बॉडी पोस्चर होता है, बिकॉज एज यू नो स्विमिंग एंड जिमनास्टिक इज अ मदर ऑफ ऑल गेम्स। पता है आप लोगों को, अगर कोई भी बच्चा आप फॉरेन कंट्री में देखोगे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं दोज हु आर गुड इन स्पोर्ट्स, आपका जिमनास्टिक और स्विमिंग वो कंपलसरी होती है, हर बच्चे को सिखाई जाती है। और आप में से मुझको बताओ आधे बच्चों ने स्विमिंग पूल नहीं देखा होगा, देखा है आप में से किसने देखा है, गर्ल्स में से बताओ हाउ मेनी फ्रॉम यू, यस कौन कौन है ये गर्ल्स में, पायल, यशिका, हाँ जी देखा है आपने स्विमिंग पूल, हैव यू सीन, समृद्धि कौन है, समृद्धि बोलो बेटा, गर्ल्स नो वन, इंडिया में आधे से ज्यादा बच्चों ने ड्यूरिंग देयर स्कूल लाइफ उन्होंने स्विमिंग पूल भी नहीं देखा होता है, दिस इज द फैक्ट। क्यों पुलकित, पुलकित ने तो देखा है ना, यस सर, ये बाकी कोई भी नहीं बोल रहा है, कहां पे चली गई हैं गर्ल्स, दिस इज द फैक्ट। हमारी कंट्री में जितने हॉकी के इतने अच्छे प्लेयर शुरू से रहे हैं, व्हाट इज द रीजन कि इंडिया हॉकी में पीछे क्यों हो गया, द मेन रीजन व्हेन इन इंटरनेशनल लेवल दे चेंज द सरफेस ऑफ ग्राउंड ऑफ हॉकी फ्रॉम ग्रास क्ले टू एस्ट्रोटर्फ। ठीक है, जब आर्टिफिशियल सरफेस पे हॉकी खेलनी शुरू की है उसके बाद इंडिया हॉकी में बिल्कुल पीछे होना शुरू हो गया, दैट इज द मेन रीजन। जो आपका एस्ट्रोटर्फ होता है आर्टिफिशियल सरफेस वेयर वी प्ले हॉकी, वहां पे बॉल बहुत तेज ट्रेवल करती हैं, स्मूथली करती हैं, और वो एंटायर जो आपका सरफेस है दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली। उसको अगर ग्राउंड को पूरा एस्ट्रोटर्फ आपने लगाना हो तो वो करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, इंडिया में अब तो शुरू हो गया एस्ट्रोटर्फ आज से 10 years back, 15 years back, ठीक है, गिनती के 4-5 एस्ट्रोटर्फ होते थे इंडिया में, तो दैट इज द मेन रीजन। जो ग्राउंड का उन्होंने सारा सिस्टम चेंज कर दिया, इंडिया पीछे हो गया। सेम इंडिया में स्विमिंग पूल कहाँ पे है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर स्कूल्स में है, ठीक है, इंडोर जिम्स बहुत रेयर है, 200 मीटर का ट्रैक बहुत कम स्कूलों में, तो दैट इज द मेन रीजन। जो ग्राउंड लेवल आपका ग्राउंड बेस जिसको बोलते हैं ग्रास रूट, अगर वहां पे बच्चे को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा तभी वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई परफॉर्म करेगा, दैट इज अ सिंपल, ठीक है, सिंपल थ्योरी है। द मोर यू गिव द फैसिलिटीज द मोर रिजल्ट विल बी देयर। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपके पास बहुत अच्छे कोचिज हैं, ठीक है, नेचुरली बच्चा अगर ग्राउंड को देखेगा फैसिलिटीज को देखेगा he or she will be more motivated। अगर आपको government uplift के लिए आपको क्या करेगी, different prize, आपको kit, equipment, ठीक है, ऐसे motivate करते हैं, जितने भी different आप जाओगे countries में जो बच्चा talented है उसको they motivated them, देख उनको limelight में लाते हैं, media में लेके आते हैं, ठीक है, उनके बारे में दिखाते हैं public को, public को भी interest होता है। तो ये सारी चीजें तभी होती हैं इफ यू आर अ ग्राउंड लेवल से इस काम को कर रहे हो। अब सेम जो ये काइफोसिस मैंने आपको बताया दैट इज अ मेजर डिफॉर्मिटीज इन स्पाइनल, तो
तो इसमें क्या है आपका, अब आपने प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं अब इसके लिए, सबसे मेन चीजें हैं। अब आपको पता लग गया है कि जिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम किसी को भी अगर होती है तो व्हाट वी यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू गाइड देम। सबसे पहले क्या होता है आपको उसको स्टैंडिंग अपराइट पोजिशन पे खड़े होना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको क्या करना है, जब भी किसी को ये प्रॉब्लम हो तो जब आप लेटते हो तो आपने बैक के ऊपर वहां पे पिल्लो रख लेते हैं, सो दैट जो उसका जो नेक के पास का पोर्शन है वो थोड़ा डाउनवर्ड रहेगा, तो दिस विल बी बेनिफिट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, दोज हु हैव दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज। देन नेक्स्ट आपका इसमें आ गया है, आपने क्या करना, जब भी आपने पिलो उस पर रखना है तो आपको उस पर यू हैव टू ले डाउन इन फ्रंट लाइंग पोजिशन, नीचे उसको लेट जाना है, अपने हेड को पीछे करना है, ठीक है। आप पुशअप्स करो, डिफरेंट एक्सरसाइजेस डेली करो, स्टैंडिंग पोजीशन आपका जो है वॉकिंग पोजीशन है वो बिल्कुल अपराइट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, आपका जो शोल्डर है आपका हेड है वो आगे बेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉरवर्ड लीन नहीं करना व्हाइल यू आर वॉकिंग। और सबसे मेन है कि इसका मेन रीजन एक होता है टाइट क्लोथिंग्स, कई लोग आपने देखा होगा बहुत टाइट टी शर्ट शर्ट्स डालते हैं, तो उससे क्या होता है शोल्डर जो आपके वो मूवमेंट फ्रीली नहीं कर सकते हैं, तो वो लिटिल बिट फॉरवर्ड को डाउन हो जाएंगे, तो दैट इज द मेन रीजन टाइट क्लोथिंग शुड बी अवॉइड। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है लॉर्डोसिस। सबसे मेन आपको एक एक वर्ड में मैं पहले क्लियर कराता हूं, काइफोसिस क्या होता है, जो राउंड शोल्डर आपका होता है जिसमें अपर बैक जो आपकी होती है वो पीछे की ओर हो जाती है, सिंपल काइफोसिस। देन लॉर्डोसिस, इसमें क्या आपका स्पाइन इन फ्रंट से क्या होगी आगे बेंड हो जाती है, जो सेंटर वाला पोर्शन होता है स्पाइन का वो आगे को बेंड हो जाता है, तो जो आपका लोअर बैक के पास होता है वहां पे एक बहुत गैप सा बन जाता है स्पाइनल, जिसको स्पाइन आपकी बहुत अंदर की ओर आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। मोस्टली इसमें क्या होता है स्टमक जो टम्मी होती है आदमी की वो आगे आ जाती है, ठीक है, और शोल्डर पीछे हो जाते हैं, दिस इज द ऑपोजिट टू काइफोसिस, सिंपल है। काइफोसिस में अपर जो होता है वो राउंड हो जाता है शोल्डर, और लॉर्डोसिस में क्या होता है आपका जो स्टमक है टम्मी वो आगे और शोल्डर पीछे हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज। तो मोस्टली ये क्या होती है, जो लोग बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं चेयर्स पे, जिनका बहुत सीटिंग जब वाला काम है, बहुत देर तक आप बैठे हो तो उससे क्या होगा आपका ऑटोमेटिकली जो शोल्डर है वो पीछे हो जाएंगे। और नेक्स्ट इसमें मेन होता है आपका डाइट, मोर ईटिंग, ऑलवेज अवॉइड मोर ईटिंग, ठीक है। आप सारा दिन आपका काम है बैठने का, सिटिंग का, यू आर सिटिंग 8 hours 10 hours, कोई भी आप जो आपका वर्क जो प्रोफेशन है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो नेचुरली क्या होगा इफ यू आर ईटिंग मोर तो इट विल बी जो ओबेसिव, जिसको हम बोलते हैं ना ओवरवेट पर्सन होता है उसका हमेशा, कभी भी आपने देखना जो बहुत से मोटे लोग होते हैं ओवरवेट होते हैं उनका ये बॉडी पोस्चर होगा। यू कैन जज, आप इसको अपने आराम से देख सकते हैं, जब भी आप कहीं मार्केट जाओ यू चेक देम डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल कैसे उनका बॉडी पोस्चर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका स्कोलियोसिस, दैट इज सिंपली रिलेटेड टू योर स्पाइनल कर्वेचर आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। इसमें बेटा क्या होता है जो स्पाइन होती है आपकी वो हल्की सी या राइट साइड को या लेफ्ट साइड को एक शोल्डर जिसको हम बोलते हैं बेंड हो जाता है, स्पाइनल का जो आपका पोजीशन है आइदर शिफ्ट टू राइट साइड और लेफ्ट साइड वो एक एस सी टाइप बन जाता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज उसमें भी मेन यही प्रॉब्लम होती है कि आपका आपना क्या है, अब इसमें सिंपल एक वर्ड है आपने क्या एक्सरसाइज कर रहे हो आपको ये नहीं पता, इफ समवन इज डूइंग बेंच प्रेस या आप हाफ स्क्वाट कर रहे हो, आपने वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है बोथ हैंड्स में, ठीक है, आपने या राइट साइड से ज्यादा पकड़ा है या लेफ्ट से पकड़ा है, तो नेचुरली क्या होगा राइट साइड ज्यादा यूज होगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपका हल्का सा कर्व राइट साइड को हो जाएगा,
ऑलवेज वेन एवर यू गो फॉर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम तो यू हैव टू गो अंडर द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइड कोचिज. अदरवाइज क्या होगा, रॉन्ग वे ऑफ योर एक्सरसाइज, रॉन्ग वे ऑफ योर स्टैंडिंग, रॉन्ग वे ऑफ योर सीटिंग, इट विल बी हार्मफुल फॉर योर स्पाइनल. तो उससे एस शेप बन जाती है. इसलिए हमने अब इनमें क्या है, तीनों में आपका डिफरेंट स्टेजेस होती है. ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एक आपका बन गया ऐसे एस शेप में. सिंपल, तीनों का आपको क्लियर हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल काइफोसिस, राउंड शोल्डर, शोल्डर आपका बैक से बाहर होगा. देन आपका लॉर्डोसिस में ऑपोजिट हो गया, शोल्डर बैकवर्ड हो गए, आपका स्टमक जो आपका टमी है वो बाहर आ जाता है. दैट इज मोस्टली दोज हु आर डायबिटीज होते हैं, ओवरवेट पर्संस होते हैं, ठीक है, जिनका वेट ज्यादा होता है, मोस्टली ये डिफॉर्मिटीज उनमें होती है. एंड इट इज ऑल्सो इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन. और जो काइफोसिस है वो आपका सिंपल है बेटा, अगर आप रॉन्ग वे, आपका वे ऑफ लोडिंग, आपकी जो लोडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आप हैवी वेट कर रहे हो, आपने टाइट कोई भी अपने क्लोथिंग आपकी बहुत टाइट है, उससे हो जाता है. देन मेन रीजन इसका ये भी होता है कि इफ योर मसल्स आर वीक, योर डाइट इज नॉट, जिसको मल्टूरेशन हम बोलते हैं, आपकी जो न्यूट्रिशन वाली वो प्रॉपर इनटेक नहीं है, ठीक है, और कोई भी आपको वहां पे मसल्स आपके वीक हो सकते हैं, मसल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है. मसल्स जो टेंडन का मेन रोल होता है किसी भी बोन को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, ठीक है. तो इसमें थर्ड वन आपका आता है स्कोलियोसिस, दैट इज ए एस सी फॉर्मेशन ऑफ योर स्पाइनल. आइदर वो राइट साइड को हल्का टिल्ट हो जाती है या लेफ्ट साइड को टिल्ट हो जाती है, दैट इज ऑल्सो मेन प्रॉब्लम. तो इसकी रिमेडीज के लिए हमको क्या करना होगा, ठीक है, शोल्डर के लिए आपने क्या किया, पुशअप्स आपने किए जी, अगर आपका शोल्डर राउंड है. लॉर्डोसिस के लिए आपने क्या करना, यू हैव टू बेंड डाउन, टच योर टोज, ठीक है. देन यू हैव टू सिट डाउन लाइंग इन द सरफेस, वहां पे आपने क्या करना है, लेग्स को एक्सटेंड करना है. देन यू हैव टू टच योर नीज फ्रॉम योर हेड, जिसको हम बोलते हैं बेंड डाउन करके. आपने डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इससे क्या मेन क्या चीज है, हमने उस चीज को रिड्यूस करना, जो चीज आपकी डिफॉर्मिटीज जहां पे है. सेम आपका स्कोलियोसिस में हो गया, यू हैव टू हैंग योर सेल्फ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन ए बार. अगर आप किसी भी बार पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना, किसी भी उस पर घर पे लगाया होता है कहीं, उन्हें डोर के पास हाइट बढ़ाने के लिए बार लगी होती है, रॉड लगी होती है, उस पर अपने आपको हैंग करना. उस पर जब हैंग आप करोगे तो बोथ साइड इक्वली वेट आपका होगा, आप उसी पोजिशन में अपने आप को स्विंग करेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज. जितना आप स्विंग कर सकते हो, जितना आप हॉरिजेंटल बार को, रॉड को होल्ड करके अपने आप को रख सकते हो. तो ये सारी डिफॉर्मिटीज आपकी स्पाइनल से रिलेटेड है. इसके प्रिकॉशंस आपको क्या करने हैं, रिमेडीज क्या है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, आपको पता है, जिसका आपको जितने भी, जब भी आपके कोई फैट्स स्टमक में, ठीक है, जिसको एब्डोमन के ओब्लिक या ग्लूटियस यहाँ पे होते हैं, तो इसके लिए बेटा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपकी होती है सिटअप्स. और सिटअप्स के भी डिफरेंट आपकी टेक्निक्स हैं, एक सिंपल होती है, एक कॉम्प्लिकेटेड है, एक दोज हु आर प्रोफेशनल्स, जो बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, दे कीप ऑन डूइंग दिस सिटअप्स पुशअप्स इन ए रेगुलर वेज, और वो इन 100 स्ट्रेच में वो करते हैं रेपिटेशंस. अगर आप जितना इसको करोगे उससे आपके एब्डोमिन मसल्स उतने स्ट्रेंथ होंगे, एब्डोमिन मसल, इंटरकोस्टियल मसल्स, तो दैट विल हेल्प फॉर योर एंड्योरेंस, आपको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फिटनेस. और बेटा कभी भी अगर आपने, आप में से अगर कोई बॉयज़ हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर एनी आर्मी जॉब फोर्सेज में अगर जाना चाहते हो, तो ये चीज़ें बहुत ही आपको मायने रखती हैं, ठीक है. इसी में फर्दर डिफॉर्मिटीज आपकी है नॉक नीज, बोज लेग, फ्लैट फुटेड, ठीक है, ये सारी चीजें आपको, ये दिस इज द पार्ट ऑफ योर फिटनेस. इफ यू क्लियर एनी रिटन टेस्ट रिगार्डिंग एनी फोर्स, आपने किसी फोर्स में जाना हो, CRPF, BSF, SSB, आर्मी, ठीक है, एयर फोर्स, देन पुलिस, तो ये मेडिकल जो होता है वहां पे ये चीजें सारी चेक करते हैं. For that you need a very good physical fitness.
आजकल तो गर्ल्स बहुत ज्यादा आर्मी में डायरेक्ट एज ए ऑफिसर जा रही हैं, ठीक है। दिस इज गुड जॉब फॉर गर्ल्स वुमेन इन फोर्सेस, डिफरेंट फोर्सेस डायरेक्ट एज ए ऑफिसर्स, बट इफ यू आर फिजिकली फिट, इफ यू क्वालिफाई दैट प्रॉपर टेस्ट, जो उनके टेस्ट होते हैं उनका डिफरेंट रेस का होता है, स्ट्रेंथनिंग का होता है आपका। अभी पंजाब पुलिस में गर्ल्स की डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की आपकी रिक्रूटमेंट हुई है, बहुत वहां पे गर्ल्स गई है, एंड देयर इज अ वेरी गुड स्केल। एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर स्पाइनल। देन नेक्स्ट वी हैव अ डिफरेंट डिफॉर्मिटीज रिगार्डिंग योर बॉडी, जिसको मैं बोल रहा हूँ ये सिंपल है, इसको आप अपने आप भी अपनी अपनी बॉडी को चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लैट फुट, ठीक है। फ्लैट फुट हम किसको बोलते हैं, इसका सिंपल एक आप अपने आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे। आप अपने शूज को उतार के, ठीक है, अपने बोथ फीट को पानी में डाल के, देन यू वॉक इन योर फ्लोर। अगर आप फ्लोर पे वॉक करते हैं, अगर आपके टो में और हील के बीच में हल्का सा गैप रहता है, इट मींस यू आर फिट। अगर आपका जो पूरा पैर वहां पे छप जाता है फ्लैट फुट, इट मींस आपके जो फुट है वो फ्लैट है। एंड फ्लैट फुटेड जो आपका पर्सन होता है उसको ये डिसएडवांटेज होती है व्हाइल रनिंग, ठीक है। तो ये यू कैन जज योर सेल्फ कि आपके जो फुट है वो सही है कि नहीं, आप फ्लैट फुटेड हो कि नहीं हो। आपके फुट में आर्क बना होना चाहिए, ठीक है। जिनके आर्क बना होता है इट मींस कि वो पर्सन बिल्कुल सही है। तो ये चीजें हम कहाँ देखते हैं, अगर हमको नॉलेज होगी। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमको पेरेंट्स को पता होगा कि ये डिफॉर्मिटीज हैं, हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, देन वी विल सी द दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज इन चाइल्ड इन अर्ली स्टेजेस। ये सारी बेटा छोटी स्टेजेस में होती हैं डिफॉर्मिटीज, जैसे आपका नॉक नीज, बोज लेग, फ्लैट फुटेड। अब फ्लैट फुटेड हमने देखा बच्चे को, छोटे में सबके फुट फ्लैट होते हैं, ठीक है, आर्क नहीं बना होगा। बट जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसमें वो कर्व आना शुरू होता है। वो जब भागेगा, कोई एक्टिविटीज करता है, तो आफ्टर दैट वो अपने आप डेवलप होता है। इसके मेन कॉजेज क्या होते हैं, सिंपल है, वीक मसल्स। जिसके भी मसल्स वीक होंगे तो उसमें ये फ्लैट फुटेड वो बच्चा होगा। और ये आपको एक भागने में दौड़ने में रिस्ट्रिक्ट करती है आपकी मूवमेंट को। अगर आप फ्लैट फुटेड होते हैं, आपका मेडिकल होता है, तो ये डिफॉर्मिटीज होती हैं। इसके आपका मेन कॉजेज आपका ये हो गया कि आपका एक तो मसल्स वीक हो गए, और नेक्स्ट इसका मेन रीजन होता है आपको रैपिडली क्या हो रहा है, आपका बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है। आपका जो शूज है दैट इज नॉट अ प्रॉपर। तो इसके लिए सिंपल हमने क्या करना है, अगर आपको किस लगता है कि छोटे बच्चे में या किसी में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो फुट है वो फ्लैट है, आपको एक रोलर लेना है। रोलर पे उसके पैर को रोल करना है, उसको फ्लैट फुट जो होता है वहां से अगर आप रोल करोगे तो स्लोली स्लोली उसका ये फ्लैट फुटेड सारी डिफॉर्मिटीज खत्म हो जाएगी। नाउ डेज देर इज ए डिफरेंट शूज फॉर दिस डिफॉर्मिटीज, ठीक है। वो मार्केट में शूज आते हैं, उसको लेके आप बच्चे को दे सकते हैं, वो बच्चा उसी को डालेगा वायल डूइंग एनी एक्टिविटीज, ठीक है। देन नेक्स्ट हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं करना है हमने छोटे उसमें स्टेजेस में कि चलने के लिए। आजकल बहुत होता है ना बच्चे को जल्दी, उसको खाना खिलाना, बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं होना चाहिए बच्चे का। जितना वो वेट ज्यादा गेन करेगा तो वो फ्लैट फुटेड ही होगा। ये आपने कभी भी देख लेना, जो भी बच्चे ओवर वेट होते हैं वो फ्लैट फुटेड ही होंगे मोस्टली। बिकॉज ओवर वेट आदमी तभी होता है जब आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हो, जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वही बच्चा ओवर वेट होता है।
अदरवाइज आप देखोगे जो भी बच्चे अगर थोड़ा रूटीन में अपना वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है, ठीक है। और अगर होगी भी तो आप उसको स्लोली स्लोली जिस टाइप ऑफ प्रिकॉशंस यू कैन रिमूव, ये अर्ली स्टेजेस में आपको पता लग जाए। और जो मोस्टली इसका मेन रीजन ये भी होता है, जो हाई हील जो डालते हैं, ठीक है, जिनकी हील बहुत ज्यादा होती हैं गर्ल्स की, वुमेन जो डालती हैं, दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन। तो फ्लैट फुटेड को हमने स्टार्टिंग में देखना है बच्चे के, अगर हमको लगता है कि इसको कोई प्रॉब्लम है जिस टाइप की, देन वी हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली डिफरेंट एक्सरसाइज। उसका वेट इंक्रीज नहीं होने देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो शूज मिलते हैं आपको डिफरेंट, वो डालने उसको शुरू कर देने, देन देयर इज अ डिफरेंट एक्सरसाइजेस। आप उसको टोज के ऊपर खड़ा करो फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, रोलर के साथ उसको उसको बोलो रोलर के ऊपर उसको रोल करे पैर को पूरा वेट डाल के। तो दिस टाइप ऑफ प्रिकॉशन अगर हम लेते हैं प्रॉपरली, तो ये वी विल रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका आता है बेटा नॉक नीज। दिस इज सिंपल एज द वर्ड नॉक नीज। नॉक नीज मीन्स कि जब आपके नीज एक दूसरे से टकराते हैं वाइल यू आर वॉकिंग, यू कैन चेक योर सेल्फ। आप सीधे खड़े हो, स्टैंडिंग पोजिशन पे खड़े हो, दोनों लेग्स को अपने जोड़ दो नॉर्मल पोजिशन में, हैंड को साइडवेज अटेंशन पोजिशन में खड़े हो जाओ। अभी आपने अपने आप को ये चेक करना है सबने कि ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी में। सीधे खड़े होना है स्टैंडिंग पोजिशन में, अटेंशन पोजिशन में, देन यू हैव टू चेक योर सेल्फ कि आपका नीज, ठीक है, जो आपके नॉक नीज मीन्स कि नीज एक दूसरे के साथ ब्रश तो नहीं करते हैं वाइल यू आर वॉकिंग। आप जब नॉर्मल खड़े होते हैं तो देर शुड बी अ लिटिल बिट गैप इन बिटवीन बोथ द नीज। जिनके गैप नहीं होता है एक दूसरे को, वो ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं। मोस्टली दिस इज अमंग द वुमेन्स गर्ल्स एंड द बॉयज, दोज हु आर अ हैवी वेट, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी ये पोजीशन आपकी सारी नॉक नीज सिंपल है। अगर आप कोई एक्टिविटी करोगे, अगर आपके नीज एक दूसरे को ब्रश करते हैं, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू एनी फिजिकल रिगोरियस स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस। तो आप इसको अपने आप चेक कर सकते हैं अटेंशन पोजीशन में खड़े होकर। जनरली जो आपका डाइट है जिससे रिलेटेड होता है, जो भी हम कहते हैं रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ठीक है, कैल्शियम की, फॉस्फोरस हम बोलते हैं ना बच्चे को, कैल्शियम भूख में ले जाओ, विटामिन डी लो, तो दैट इज फॉर द बोन्स, स्ट्रेंथनिंग फॉर योर बोन्स। फिर आपका जो वेट है, कैरिंग हैवी वेट है, ठीक है, वो इसका एक मेन रीजन हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है हमने, इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हॉर्स राइडिंग, बट ये आपको सब नहीं कर सकते हैं। दिस फैसिलिटी शुड नॉट बी अवेल बाय एवरीवन। देन व्हेनेवर यू हैव टू स्टैंड सिट, यू हैव टू कीप पिल्लो इन बिटवीन योर बोथ नीज, ये आपको बेस्ट है। देन आप इसके लिए सबसे बेस्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है गुरुमुख आसन, पद्मासन। उस आसन पे आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपनी सीटिंग रखो, दैट विल हेल्पफुल फॉर दिस नॉक नीज, ठीक है। ये डिफॉर्मिटीज ऐसी हैं बेटा, जब भी अगर आप कोई मेडिकल टेस्ट क्लियर करोगे तो वहाँ पे ग्राउंड टेस्ट में जाओगे आप, वहाँ पे आपका जो मेडिकल होगा रिगार्डिंग योर बॉडी, वो ये चीजें जिसकी होती है उसको स्टेट में वो बाहर भेज देते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर नॉक नीज है, फ्लैट फुटेड है, बोज लेग है, स्टेट में उनको बोलेंगे यू आर अनफिट, यू हैव अ डिफॉर्मिटीज। तो अगर किसी ने आर्मी एनडीए में एग्जाम देने हैं, फोर्स पुलिस में जाना है, तो अभी से इसके लिए आप अपना बॉडी को चेक कर सकते हैं कि आप में ये कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है, ठीक है। अगर है तो देर इज अ वेरी गुड एक्सरसाइजेस, अगर आप उसको डेली करोगे तो ये कोई बहुत परमानेंट कोई ऐसी डिजीज नहीं है कि आप इसको दूर नहीं कर सकते हो। इफ यू आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, इफ यू गिव मोर स्ट्रेस, मोर अटेंशन टुवर्ड दिस प्रॉब्लम, तो ऑटोमेटिकली आप इसको दूर कर सकते हो। जो नॉक नीज है, इसका जो ऑपोजिट होता है दैट इज बो लेग, ठीक है। नॉक नीज में क्या होता है, आपके नीज एक दूसरे को टकरा रहे हैं, और बोज लेग इसका ऑपोजिट हो गया। उसमें क्या हो गया, उसमें गैप हो रहा है। आपके जो लेग्स हैं, अगर आप खड़े होते हो, चलते हो, तो
ऐसा लगता है कि दोनों आपकी लेग्स आउटरवर्ड, जो नीज का जो पार्ट होता है लेग्स का, वो आउटरवर्ड हो जाता है, बाहर की तरफ हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बोज लेग। नॉक नीज आपस में टकराना, बोज लेग हो गया है ऑपोजिट, आउटरवर्ड हो जाना उसका। और इसी में लास्ट वन आपका राउंड शोल्डर, ठीक है, वो स्पाइनल वाला राउंड शोल्डर नहीं, दिस इज राउंड शोल्डर, जो शोल्डर को अपने आगे की ओर करके ज्यादा चलते हैं और चेस्ट उनकी बिल्कुल स्क्वीज हो जाती है। ये आपकी डिफॉर्मिटीज हैं बेटा, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस। ये होगी आपकी स्पाइन से रिलेटेड, देन आपकी फिजिकली जो बॉडी से रिलेटेड होगी, दैट इज नॉक नीज, फ्लैट फुटेड, बोज लेग एंड राउंड शोल्डर, ठीक है। ये चीजें आपने अपने आप चेक करनी, आज आपका ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट अपने आप लेना है आपने, एंड यू हैव टू चेक योर सेल्फ कि वेदर दिस डिफॉर्मिटीज किसी की है, तो यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड। दैट्स एंड फॉर टूडेज लेक्चर।